नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Insight में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये नया कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई भी आपको शुल्क नहीं पेड करना है। इसमें आपको डेली क्लास होगी, ठीक है। और ये कोर्स है NVS TGT PGT साइंस का। इसके अंतर्गत हम इसमें जो कवर कराएंगे वो होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपको पता है कि TGT साइंस में जो कि NVS कराता है उसमें तीनों आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, ठीक है। तो आप TGT अगर आप साइंस से आपने आवेदन किया है तो ये आपके लिए कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर आपको डेली क्लास ली जाएगी और वन बाई वन पूरा कोर्स कम्प्लीट कराया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई भी आपसे फीस की डिमांड नहीं की जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने PGT का भी फॉर्म भरा हुआ है, फिजिक्स से भरा हुआ है या केमिस्ट्री से भरा हुआ है, तो इसका भी यहाँ पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका ये जो एग्ज़ाम है NVS का, हर हाल में क्वालिफाई करा सकूं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है और आगे के वीडियोस में हम किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में थोड़ी सी रूपरेखा पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं वैकेंसी की संख्या पर, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। इसमें तो काफ़ी सारे पदों पर भर्तियाँ वैसे हो रही हैं, टोटल 11 पोस्ट हैं PGT के लिए, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो फिजिक्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे और बायोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स में देख रहे होंगे कुल मिलाकर के 39 पद हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर पद दिए गए हैं। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए होती है, तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको एक सीट ये हलाल में मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर पोस्ट है वो केमिस्ट्री की है, PGT केमिस्ट्री की। यहाँ पर जो कुल मिलाकर के पद हैं PGT केमिस्ट्री के लिए वो 45 पद हैं और यहाँ पर आपको दे सकते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी बताई गई है। तीसरा जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी का है और इसमें PGT बायोलॉजी में कुल मिलाकर के 43 पद हैं और जो कैटेगरी वाइज पदों की संख्या यहाँ पर स्पष्ट दी गई है, तो इसको आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर TGT की बात कर लेते हैं, तो TGT में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि साइंस की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। साइंस में जो पद हैं काफ़ी अच्छे पद हैं, TGT साइंस में 139 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है। इसमें से कैटेगरी वाइज भी पदों की संख्या दी गई, इसको भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये मत सोचा करो आप लोग कि पदों की संख्या बहुत कम है, आपको सिर्फ एक पद चाहिए होता है, ठीक है। एक पद अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आपका पद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने TGT साइंस से फॉर्म डाला हुआ तो ये चैनल आपके लिए, आपको इसे पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें से अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो इसकी भी पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। पूरा कोर्स एक ही है, थोड़ा सा लेवल डिफ़िकल्टी लेवल का फ़र्क है, ठीक है। तो मैं पूरा कोर्स कराने की कोशिश करूँगा। पहले हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स का जो भी कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी का, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस है, पहले PGT के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर PGT का जो सिलेबस है उसमें आपका क्या है कि दो सेक्शंस बनाए गए हैं। पहले सेक्शन में आपका यहाँ पर है Part 1, Part 2, Part 3 और Part 4, ठीक है। ये एक सेक्शन, चार पार्ट को मिलाकर के एक सेक्शन है और ये Part 5 ये दूसरा सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम Part 5 की बात करेंगे। इसमें आपका जनरल इंग्लिश आएगा, जनरल हिंदी आएगा, ठीक है। PGT में दो चीज़ आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। ये क्वेश्चन जो पार्ट है Part 5 यानी Section 2, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसको आपको पास करना है, बाकी इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आपकी मेरिट में, ठीक है। तो इसको आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश इसमें आना है। अब हम Section 1 की बात करते हैं। इसमें सेक्शन में चार पार्ट किए गए हैं। पहले पार्ट में आपका रीजनिंग एबिलिटी आएगा, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे। दूसरे पार्ट में जनरल अवेयरनेस आएगा, 15 क्वेश्चन और 15 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का, ठीक है। थर्ड पार्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का।
और जो सबसे जो मेजर पार्ट है वो है पार्ट फोर। इसमें आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर के होंगे, ठीक है। तो जो मेन पार्ट है आपका ये मेन पार्ट है पार्ट फोर, जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ये पार्ट हम आपको करा रहे हैं TGT साइंस के अंतर्गत, ठीक है। इसमें पार्ट वन ये कॉमन सब्जेक्ट का पेपर होता है, ये आपने पहले भी कई सारे एग्जाम दिए होंगे, रीजनिंग आपको अच्छी तरीके आती होगी, जनरल अवेयरनेस आती होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता होगा। नहीं आता तो इनको क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में बहुत सी बुक अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हम आपको लेना चाहिए, उसका मैं ऑलरेडी दूसरे चैनल पर अपना वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ पर जा करके आप लोग वो वीडियो दे सकते हैं, पूरी जो बुक है वो परचेज़ कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख करके आप लोग ये बुक्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों TGT के सिलेबस के बारे में। TGT के सिलेबस में सेम इसी तरीके से बनाया गया है, तो इसमें भी आपके दो सेक्शन है, पहला सेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा सेक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक है। पहले सेक्शन में 4 पार्ट बनाए गए, वैसे रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, सब्जेक्ट नॉलेज आएगा। इसमें आपके 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 10 नंबर के, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के 10 नंबर के, 15 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 नंबर के, और 100 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर के 135 क्वेश्चन इसमें आएंगे सेक्शन वन में, जो कि पार्ट वन से पार्ट फोर तक है। पार्ट टू में यहाँ पर 3 लैंग्वेज आएंगी, पहले होगी जनरल हिंदी, दूसरी होगी जनरल इंग्लिश और तीसरा होगा एक रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, सपोज करो हिंदी चूज किया है तो जनरल हिंदी आपकी अलग रहेगी और रीजनल लैंग्वेज की हिंदी आपकी अलग रहेगी। कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के। यहाँ पर टोटल टाइम जो दिया जाएगा आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। अब जो डिफरेंस है थोड़ा सा वो यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल में डिफरेंस है कि TGT में आपका डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन होगा और PGT में आपका डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको जो कोर्स पढ़ाएंगे PG के हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कोर्स जो है वो दोनों लेवल में आपका काम करेगा, चाहे आपने TGT साइंस दी तैयारी कर रहे हो या PGT की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा कोर्स कंटेंट था। अब TGT साइंस के अंतर्गत क्या क्या आता है उसका भी हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने TGT साइंस का जो पूरा कंप्लीट कोर्स है ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ NVS की वेबसाइट पर मिलेगा। हो सकता है आपने डाउनलोड किया हो लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास ये नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं TGT साइंस में क्या क्या आएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, चैप्टर वाइज दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है डिफरेंट इफेक्ट ऑफ करंट, यानी इसमें जो सिलेबस है TGT साइंस के अंतर्गत फिजिक्स है प्लस केमिस्ट्री है प्लस बायो है, मतलब तीनों कंप्लीट करना पड़ेगा तब TGT साइंस आपका क्वालिफाई होगा। सबसे पहले यहाँ पर इफेक्ट ऑफ करंट दिया गया, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं ये पूरा दिया गया है। इसके बाद दूसरे सेक्शन में लाइट दिया गया, इसके भी टॉपिक वाइज यहाँ पे बताया गया है। तीसरे सेक्शन में सोर्सेस ऑफ एनर्जी दिया गया, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो बताया गया है। चौथे सेक्शन में फोर्स एंड न्यूटन्स ला दिया गया, इसके बारे में पूरा यहाँ पे दिया गया है। अगले में दिया गया ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें क्या क्या टॉपिक है वो अंदर बताया गया है, ठीक है। वन बाई वन सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद फ्लोटेशन दिया गया, फ्लोटेशन में क्या क्या आएगा वो दिया गया है। साउंड है, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर स्टेट्स ऑफ मैटर, ये पूरा दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से आपका रसायन विज्ञान स्टार्ट हो जाता है, यानी केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, केमिकल सब्सटेंसेस है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, कार्बन कंपाउंड्स है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो नॉन मेड मटेरियल है, लाइफ प्रोसेसेस है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर आपका आ जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद यहाँ से आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है, तो बायोलॉजी में आप लोग देख पा रहे होंगे रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। इसके बाद और नीचे आएंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, नेचुरल रिसोर्सेस है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर टिशूज है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वाई डू वी फॉल इल,
ये पूरा कंप्लीट है। इसका नेचुरल रिसोर्सेज में आवर एनवायरनमेंट के बारे में पूरा दिया गया, यहाँ पर क्या क्या आएगा। और नीचे आएंगे तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये सारा सिलेबस आपका TGT साइंस का सिलेबस। देखें बहुत सारा सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इसमें इंक्लूड है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर फिजिक्स स्टार्ट करूँगा, उसके बाद रसायन यानी केमिस्ट्री, उसके बाद टाइम मिला तो बायो। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले लेसन से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर वन बाय वन सारे टॉपिक्स हम कवर कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल निशान जरूर दबाइएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, लिंक नीचे दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस लेसन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेसन में नए टॉपिक के साथ फिजिक्स के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।